फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिष्ठा और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक वॉल शेल्फ। सबसे पहले तो आप लोगों को कहना चाहती हूं थैंक यू कि आप लोगों को मेरे जो वॉल शेल्फ थे वो बहुत पसंद आए हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए आज फिर से एक और वॉल शेल्फ लेकर आई हूँ। ये वॉल शेल्फ कम टी लाइट होल्डर है जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत इजी डीआईवाई है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे कि दिवाली आने वाली है और फेस्टिवल्स का सीजन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये खूबसूरत सा वॉल शेल्फ शेयर करूं। और ये लगने के बाद में इतना सुंदर लगता है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, और बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे लगता है आने वाले फेस्टिवल्स के लिए परफेक्ट वॉल शेल्फ है। और आप लोगों को कैसा लगा ये वॉल शेल्फ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो वॉल शेल्फ है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 1000 से 2000 रुपीस के अंदर है। ये पूरा इसी तरह सेट में आता है, ऊपर इस तरह से शेल्फ होता है, शेल्फ के साथ में ये टी लाइट होल्डर के साथ में आता है। तो ये जो टी लाइट होल्डर्स हैं ये आपने मेरे होम सेंटर वाले हॉल वीडियो में जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। ये टी लाइट होल्डर्स जो मैंने होम सेंटर से लिए थे ये मैंने इस तरह के वॉल शेल्फ के साथ में टीम अप किए हैं। ये बहुत ही प्यारा एक शोपीस, एक मास्टरपीस बना है इस रूम में। और जो अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, किसी भी फेस्टिवल्स पे आप इस तरह की टी लाइट्स लगा सकते हैं। और फेस्टिवली रूम अगर हम नॉर्मली भी घर में इसे इस तरह रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक कोजी सी फीलिंग आती है इसे, एक विंटेज लुक आता है इससे। तो चलते हैं देखते हैं कि ये जो वॉल शेल्फ्स हैं मैंने किस तरह से बनाए हैं। ये इसके लिए हमें चाहिए लकड़ी, और ये मैंने जो है वो कारपेंटर की शॉप से लिए हैं। ये आपको बहुत ही चीप रेट में वहाँ पर मिल जाते हैं, और अगर आपके पास में लकड़ी है तो आप उसे कारपेंटर की शॉप पर कट भी करवा सकते हैं। तो मैंने एक बड़ा प्लाईवुड टुकड़ा लिया है जिसका जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह मैंने एक छोटा प्लाईवुड लिया है जिसकी जो विड्थ रखी है वो सेम मैंने बड़े वाले टुकड़े की तरह रखी है, और जो लंबाई है वो मतलब स्क्वायर शेप में मैंने लिया है, तो 6x6 का ये मैंने लिया है। साथ में मैंने ये यू पिंस लिए हैं जो इस तरह के हैंगिंग वाले आते हैं, ये लिए हैं। एक हैमर लिया है और कुछ नेल्स ली हैं मैंने। सबसे पहले मैंने लिया है ये छोटा वाला वुड का पीस, और इसमें जो यू वाला हैंगिंग वाला जो नेल है उसे हम लगाएंगे, सेंटर में लगाना है। तो नेल से पहले मैं एक छेद कर लेती हूँ और उसके बाद स्क्रू टाइट कर देंगे उसे। इस तरह से उसे राउंड करते हुए और स्क्रू टाइट कर देंगे, बहुत इजीली हो जाता है। ये इस तरह से देखिए मैंने हैंग करने के लिए रेडी कर लिया है। अब हम बड़ा वाला जो पीस है वुड का वो लेंगे, और सबसे पहले इसे हैंग करने के लिए जो हैंगिंग वाला लूप आता है वो यूज़ करेंगे। तो ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और इसका कॉस्ट होता है 1 रुपीज़। और मैंने यहाँ पर बहुत छोटे वाले नेल्स लिए हैं, इसको इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड लगा देंगे और सेंटर में लगाना है वुड के हैंग करने के लिए। अब छोटा वाला पीस लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे कि आपको किस पोजीशन पे उसे फिक्स करना है बड़े वाले प्लाईवुड पे। तो पीछे की साइड में लेंगे और यहाँ पर आप मेजर कर लेंगे, जहाँ पर भी आपको फिक्स करना है वहाँ पर एक मार्क बना लेंगे, और पीछे की साइड में मार्क लगाना है क्योंकि नेल हम पीछे से हुक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पहले जितने भी नेल्स मुझे लगाने हैं वो आधे आधे मैंने प्लाई में देखिए इस तरह से लगा लिए हैं, ताकि जब मेन वुड के जो दूसरा वाला पीस है उसमें अटैच करने में इजी हो जाएगा। इसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि अकेले करने में बहुत मुश्किल होता है, और बहुत केयरफुली करें क्योंकि इसमें लगने का भी डर रहता है। तो इस तरह मैंने छोटा वाला पीस जो है मुझे जैसे रखना था उस तरह रख लिया है मैंने। उसके बाद ऊपर से बस मुझे नेल्स उस पर फिक्स करने हैं। तो इस तरह मैंने सारे जितने नेल्स थे और बस अब मैं इन्हें हैमर से हैम कर दूंगी और ये सारे फिक्स हो जाएंगे। ये दोनों मैंने इस तरह बनाए हैं, सेम बनाए हैं, आप कोई भी लेंथ के बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। अब हम इनमें पेंट करेंगे, तो पेंट करने के लिए आप ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, ये भी ठीक रहते हैं, अगर आप ऑयल पेंट यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट हैं।
तो यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक जो एक्रेलिक कलर लिया था उसे मिक्स करके मैंने ब्राउन कलर बनाया है। और आप कोई भी कलर कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगता है अपने रूम में या अपनी बालकनी में, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप इसमें कर सकते हैं। और मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं, ये बहुत इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल पेंट बेस्ट है अगर आपको इसमें करना है तो। मैंने यहाँ एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करे हैं, और जो ऑयल पेंट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, एज सच एक्रेलिक कलर्स इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ यही यूज़ किए हैं, और पूरे को मैं इसी से कवर कर दूंगी। दोनों जो मेरे शेल्फ मैंने बनाए हैं वो दोनों मैं सेम कलर से पेंट कर दूंगी। आप चाहें तो दोनों डिफरेंट कलर से पेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट लगेगा वो, या कोई दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, वाइट, येलो, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके घर में आपके डेकोर में मैच करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आपकी बालकनी में जो कलर आपको लेना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एज सच ब्राउन कलर जो है वो वुड का कलर होता है, और मेरे घर में आपने पहले भी कई वीडियोस में देखा है, जितने भी मैंने वॉल शेल्फ्स बनाए हैं वो सभी इसी कलर के हैं, तो मैंने यही ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो मैंने पूरे को इसी कलर से कर दिया है, और बहुत जल्दी मतलब ये जो एक्रेलिक कलर्स हैं बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएंगे, और ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो इसे बालकनी में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बालकनी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये मैंने पूरा कलर कर दिया है, साइड्स में भी कलर करना है आपको, कोई भी जगह मतलब प्लेन नहीं छोड़नी है। तो ये जो दोनों वॉल शेल्स थे मैंने पेंट कर दिए हैं, और दोनों पेंट होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। अभी हैंग होने के बाद में ये और सुंदर लगेंगे, तो चलिए हैंग करके दिखाती हूँ मैं इसे। तो यहाँ मैंने जो वॉल शेल्स बनाए हैं उन्हें हैंग कर दिया है, और वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं, मैंने इस तरह से उन्हें हैंग किया है। और यहाँ पर मैंने टांगी हैं लैंटर्न्स, जो लैंटर्न्स मैं होम सेंटर से लेकर आई थी, जिसका हॉल वीडियो मैंने आपके साथ में पहले शेयर किया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ऊपर में मैंने रखी हैं टी लाइट्स। तो कुछ और भी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे किस तरह से हम वॉल शेल्फ को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में मैंने जो है वो ये जोधपुर से मैं लेकर आई थी म्यूजिशियंस, मैंने वो रखे हैं। आप कोई भी दूसरा शोपीस रख सकते हैं इसकी जगह पर। टी लाइट मैंने जैसे आपको इसके पहले दिखाया है, टी लाइट्स रखी हैं, जैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर हम टी लाइट्स रख सकते हैं, इस तरह के शोपीस रख सकते हैं, या हम कुछ नेचुरल प्लांट्स भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये इंडोर प्लांट रखा है, इस तरह का आप प्लांट भी रख सकते हैं। तो ये भी जो प्लांट है ये भी रखने में बहुत सुंदर लगता है। लैंटर्न की जगह आप हैंगिंग फ्लावर पॉट लगा सकते हैं, और अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस शेल्फ को आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसे बालकनी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। इट गिव्स अ वेरी कोजी फीलिंग, ये बहुत प्यारा लगता है। बालकनी में तो बहुत ही सुंदर लगता है, इवन दो लिविंग रूम में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में वो बेल बटन ज़रूर हिट करना ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।